वेलकम एवरीवन टू अनदर माइनक्राफ्ट वीडियो। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि हमें अपना एक कैसे अपना एक घर बनाना है, कैसे हमारे टूल्स बनाने हैं। तो मैं सबसे पहले आपको टूल्स बनाना बता देता हूँ। सबसे टूल्स बनाने के लिए हमें लगेंगे कुछ लकड़ियाँ, स्टिक्स और पत्थर। बेसिक नीड तो हमारी अभी यही है। इस पर टेबल पर जाकर राइट क्लिक करेंगे और स्टिक्स, अभी पहले हमें वुडन पिकैक्स की जगह कोबल स्टोन पिकैक्स बनानी है। तो कुछ आप इस शेप में रखेंगे तो हमें स्टोन पिकैक्स बन जाएगी। मैं अभी फ़िलहाल के लिए 3 बना लेता हूँ। इसके बाद हमें बनानी है शॉवल। शॉवल भी तीन बना लेता हूँ, चलिए बाद में यूज़ हो तो चार बना लेता हूँ। और चलो अभी कुछ पत्थर वगैरह कलेक्ट करने के लिए हम चलते हैं किसी पहाड़ को खोदने के लिए। इसको यहाँ पे रख लेते हैं, फालतू की चीज़ें यहाँ पे रख देते हैं। मछली खा ही लेते हैं पहले। शॉवल आप देख सकते हैं स्टोन वाले ये शॉवल से कितनी तेज़ी से हम इस पहाड़ को डिग कर पा रहे हैं। और फाइनली हमें स्टोन्स मिल चुके हैं जिसको हम स्टोन पिकैक्स से खोदना चालू करेंगे। सारे स्टोन को कलेक्ट होने के बाद मैं बताता हूँ आपको घर कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है। तो पहले अभी रात में ज़ॉम्बीज और क्रीपर्स हम पे अटैक कर सकते हैं, इसलिए हम पहले सो जाते हैं फिर सुबह बनाते हैं अपना घर प्रॉपर। चलिए दिन हो चुका है तो हम फटाक से बनाते हैं अपना घर। सबसे पहले हम जितनी भी सरफेस होगी उसको फिल कर लेंगे, मतलब एक सीधा प्लेटफॉर्म बना लेंगे। कुछ इस तरीके से प्लेटफॉर्म को सीधा करने के बाद हम बनाना चालू करते हैं अपना घर। खेल चुका हूँ उस वर्ल्ड जैसे मैं 2 दरवाजे बनाने वाला हूँ। ये ब्लॉक्स गलत प्लेस होने के बाद भी हम तोड़ सकते हैं कुछ इस तरीके से। एक टेम्परेरी ब्लॉक यहाँ पर चढ़ने के लिए लगा देता हूँ, एक और लगा ही देता हूँ। कि आप लोगों के पास बहुत सारे कोबल स्टोन्स हों ताकि आप प्रॉपर एक घर के लायक मटेरियल होना ही चाहिए। पहले खाना खा लेते हैं। मेरे पास 3 दरवाजे हैं अभी, तो फ़िलहाल मैं उन्हीं को प्लेस कर देता हूँ और जल्दी ही दरवाजे बना लूँगा। 1 2 दोनों दरवाज़ों को यहाँ पे लगा देता हूँ। एक और दरवाज़ा इस साइड और उस साइड भी लगा दूँगा। एक्स एक्सिस को भी तोड़ देता हूँ। क्राफ्टिंग बेंच
ये सब चीज़ों को तोड़ के हम चलते हैं। अंदर इसको लगाते हैं हम यहाँ पर, और हमारी चेस्ट 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 कहाँ गई, चेस्ट को लगाते हैं यहाँ पर, और थोड़ा हमारा जो भी मटेरियल है फालतू वाला वो सब इसमें फेंक देते हैं फटाफट से। और अब हमारा जो सामान बच गया था उसको भी लेके आते हैं। भाई गोल्ड छोड़ दिया था मैंने, बेड बेड को कुछ इस तरह से यहाँ पर प्लेस कर देते हैं और सेव कर लेते हैं। पहले लकड़ियाँ चाहिए हमको, लकड़ी लकड़ी जिससे हम स्लैब्स बना सकें ढेर सारी। शिफ्ट का यूज़ करके इस पर क्लिक करते हैं तो कितने स्लैब्स होंगे, 64। चलिए 64 आई थिंक सफिशेंट हो गए, नहीं तो हमें पहला स्लैब आपको कुछ इस तरीके से ही लगाना पड़ेगा। और कंट्रोल बटन का यूज़ करके हम बैठ करके इनको प्लेस कर सकते हैं। तो हमारे सारे स्लैब्स लग चुके हैं, एक्स्ट्रा स्लैब्स हों तो हम उनका भी यूज़ कर सकते हैं फालतू अगर पड़े हो तो। आप कुछ अपने अनुसार ऐसे डिज़ाइन डाल सकते हैं घर में। मेरे ख़त्म हो गए बस, अब मैं बाद में लगाऊंगा इनको। और सबसे पहले टॉर्च लगा देते हैं, तू इधर लग जा, तू इधर जा, तू इधर जा, तू इधर। चलिए लकड़ी 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 चाहिए अभी तो। ये आप देख सकते हैं अलग अलग लकड़ी के अलग अलग नेम्स हैं। देखिए ये बर्च प्लैंक है, एक वो नॉर्मल प्लैंक है, ओक, ये अकासिया। सबसे पहले हम एक बनाते हैं प्रेशर प्लेट, जिसके लिए ऐसा रखना पड़ेगा। ये वाले प्लैंक्स ना यूज़ करके हम ये वाले करते हैं, 1 2 3 4। इनको प्लेस हम कुछ इस तरीके से करते हैं, दो इधर लगाते हैं, दो इधर लगाते हैं, दरवाज़ा बना देते हैं इसके लिए। यहाँ पे लिखते हैं डोर, अच्छा ऐसा लगाना पड़ेगा। तो हमें लकड़ी लकड़ियों की ज़रूरत है, लकड़ी के लिए हमें पेड़ काटना पड़ेगा। खाने का भी मटेरियल मिल चुका है हमें, सेम ऐसे ही खाते जाते हैं। और मैं यहाँ पे काम बस चला रहा हूँ, एक तलवार बना लेनी थी लेकिन मैं बना नहीं पाया अभी तो फिलहाल के लिए। इतने ऊपर मैं पहुँच नहीं पा रहा अभी, सिर्फ इतने से ही काम चलाते हैं। ये देखिए हमने जो पेड़ अभी जस्ट काटे थे तो वो अपने आप गिरना चालू हो गए। ये देखिए स्टिक्स मिलेंगे इससे, कुछ सैपलिंग्स वगैरह भी मिलेंगे, ऐसे ही सेम उसमें भी मिलेंगे हमें। खाई में बस मत गिरना भाई, स्टार्टिंग में जो भी लोग खेल रहे हो। ये देखिए सैपलिंग्स मिलेंगे मुझे, इस सैपलिंग्स को प्लेस करने से हम और ज़्यादा नए पेड़ पौधे उगा सकते हैं कहीं पर भी। ये देखिए ब्लेजर हमारे बेड पे सोया बैठा है भाई। चलो भाई मॉर्निंग हो चुकी है, यहाँ पे अभी हम बहुत सारे बनाते हैं प्लैंक्स, क्योंकि प्लैंक्स की ही नीड है अभी हमें।
आप लिखते हैं डोर, ये वाला नहीं, ये वाला भी बन जाएगा, ये बन जाए, यही बनाना है हमें, नहीं तो वो थोड़ा डिज़ाइन चेंज हो जाएगी घर की। चल भाई भाग मेरे घर से। इनके लिए भी सफिशियंट बेड बनाने पड़ेंगे भाई। अभी बेड के लिए तो मटेरियल ही नहीं है इतना भाई, तो सारे कुछ यहाँ पे फेंक देते हैं। प्रेशर प्लेट कैसे बनाई थी मैंने, एक ये एक ये। डर्ट चाहिए मुझे, डर्ट। प्रेशर प्लेट कुछ इस तरीके से काम करेंगे, आप समझ तो गए होंगे। ये देखो भाई बच्चे कर रहे हैं भाई। अभी ये कोल खोद लेते हैं हम भाई, इसका यूज मैं जस्ट बताने वाला हूँ आपको। ये देखिए भाई, जब भी आप माइनिंग करें तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, स्पेशली जो नए बंदे हैं। कोल होने चाहिए वैसे तो, पर मैं आप स्विम भी कर सकते हो ऐसे कुछ स्पेस बटन से आप ऊपर की ओर उठते हो। वो देखिए यहाँ पे तो आयरन भी है और कोल भी है, तो पहले कोल डिग कर लेते हैं। ये रेंडमली कहीं पे भी हो सकते हैं। सारा कोल जमा कर लिया है डिक करके। इनके अब मैं यूज़ बताने वाला हूँ कि आप कैसे इनका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे घर पे। सारे घास फूस को आप कुछ इस तरीके से हटा सकते हैं। मैंने थोड़ा ऑफलाइन खेल लिया था तो मैं उसको आपको शो नहीं कर पा रहा हूँ। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने सारे वो घास फूस हटा दिए सिर्फ ऐसे ही डिग करके। अब मैं कोल का यूज़ बता ही देता हूँ आपको। पहले हमें चाहिए कोबल स्टोन कुछ और स्टिक्स। कोबल स्टोन का यूज़ ये है कि पहले हम एक बनाते हैं, ये है फर्नेस। फर्नेस को कुछ इस तरीके से हम दो बना देते हैं, पहले एक यहाँ लग जा भाई, एक यहाँ लग जा। और इस फर्निस में हम डालते हैं कुछ कोल, और हमारे ये कुछ भी पकने रख सकते हैं फर्निस में। मैंने अपना खाना रख दिया है फर्निस में, सेव कर लेते हैं पहले ही। हाँ, जब तक हमारा खाना पकता है तो मैं जब तक आपको टॉर्च बनाना बता देता हूँ। कुछ कोल की ज़रूरत भी पड़ेगी, इससे हम टॉर्चेस बना सकते हैं। इतनी सफिशिएंट टॉर्चेस हैं। इसके बाद कुछ घर के बाहर भी लगा सकते हैं ताकि हमें कुछ सब कुछ क्लियर देख सके। भाई हट जा,
डाल लेते हैं जो हमने टेम्परेरी प्लेस किए हुए थे। इतना करने के बाद सेव तो कर ही देते हैं, सिर्फ इस पर राइट क्लिक करके हम अपना रिस्पॉन्स पॉइंट सेव कर सकते हैं। यह हमारा खाना कुक हो चुका है। मेरे पास कोबल स्टोन कितना है? अभी हम बनाते हैं अपने लिए एक तलवार। दो बना लेते हैं, चलिए। बाकी हमारा मटेरियल यहीं पे रखते हैं। यहाँ पे भूल कर भी नहीं गिनना है। मैंने अपने वर्ल्ड में इसे पैक करके इसके ऊपर मैंने अपना फार्म बना लिया है। तो देखिए लैपिस लाजुली में मॉडिफाई मैं अब आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जस्ट इन केस आप सब ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, और बाय।